बिलासपुर में पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने युवाओं के साथ मिलकर जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस जागरूकता रैली की अध्यक्षता समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुबेदार प्रकाश चंद ने की। बिलासपुर में पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने युवाओं के साथ मिलकर जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। जागरूकता रैली की अध्यक्षता समिति के प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने की। इस अवसर पर शहीद अनंत राम की धर्मपत्नी मीरा देवी ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रैली परिधिगिरी से शुरू होकर मेन मार्केट, चंपा मार्केट और मुख्य बाजार से होते हुए गुरुद्वारा चौक, कॉलेज चौक तक निकाली गई। इस रैली में शामिल पूर्व सैनिकों एवं अन्य लोगों ने मतदाताओं से लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आह्वान किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने कहा कि लोकतंत्र का ये महापर्व 5 वर्षों में एक बार आता है। इस महापर्व में हम सबकी भागीदारी बेहद ही जरूरी है ताकि देश में सही और स्थायी सरकार बन सके। आज पूर्व सैनिक कल्याण समिति हिमाचल प्रदेश ने मतदाता जागरूकता रैली अभियान का आयोजन किया। रैली हमारी सर्किट हाउस से बाजार के अन्य भागों से होती हुई वापस सर्किट हाउस पहुंची। इसके बीच में रैली को शहीद अनंत राम की धर्मपत्नी मीरा कुमारी शर्मा ने हरी झंडी देकर के रवाना किया। पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने आज युवा मतदाताओं से अपील की कि आप इस मतदान के बीच में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और एक दृढ़ सरकार का मजबूती से सरकार का गठन करें ताकि आने वाले समय में हमारी सरकार अच्छे फैसले ले सकी। हमारा ये अभियान अभी गांव-गांव और शहर शहर किया जाएगा, मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। और आज सबसे अहम बात रही है कि हमारे साथ युवा मतदाता अल्फा एकेडमी के, उन्होंने हमारा साथ दिया और उन्होंने भी आह्वान किया कि हम सब बढ़ चढ़ करके इस 19 मई के मतदान के दिन बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। धन्यवाद।